सुन लो कांग्रेसियों, कमलनाथ सुन ले, दिग्विजय सिंह सुन ले, मुझे कुछ भी कह लेना, मुझे तो रोज गाली देते हैं, सवेरे शाम सपने में ही सिमरा जाता है। बीच में तो पोस्ट डाल के इनने मेरा श्राद्ध ही कर दिया, जब मामा तेरा श्राद्ध हो गया, अरे मैं इनका राख के ढेर में से भी उठ के मर के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी बहन और भाइयों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ भी कह लो लेकिन साफ सुन लेना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों के बारे में कुछ भी कहा तो सुन लेना, कोई हो, कौन मेरे बच्चों को भूखे मार सकता है, मैं ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे, छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जिन बहनों को छोड़ू। मेरे लिए मेरी बहन दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, देवी स्वरूप है, इनकी जिंदगी मुझे बेहतर बनाना है। और किसान भाई को, बहनों को अगर 1250 मिल रहे हैं तो 1000 मोहब्बत को भी मिल रहे हैं कि नहीं? अरे अपने पीएम साहब 6000 दे रहे हैं, सीएम के 6000, तो 1000 रुपये महीना तो अपने भी आ रहे हैं। और चिंता मत करना, जरा चुनाव हो जाने दो, 1000 थोड़ी रखेंगे, इधर भी बढ़ोतरी करेंगे भाई। मैं तो सोच रहा हूँ सब्सिडी वगैरह जो देते ना इधर उधर की, उन सबको बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डालेंगे। और कोई चीज की जरूरत है आप बताओ, सब्सिडी देना चाहिए कि खाते में पैसा डालना चाहिए? सीधे पैसा डालेंगे, जरा किसान को जो खरीदना होगा खरीद लेगा, या सीधी सब्सिडी कोई खा जा कोई पी जा तो खाता देखेगा, है कि नहीं बात है? और इतने सीधे पैसे। और एक बात और सुन लेना, समय ज्यादा नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है मेरे भाइयों मेरी बहनों। जिन गरीबों के पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टा देकर मालिक बनाइए, 10,000 के आसपास पट्टे भी बांटे। और उसके बाद कुंवर सिंह मुझे बता रहे थे कई गरीब अभी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, पीएम आवास के मकान उनको नहीं मिल पाए, सही बात है क्या? कई बच्चे हैं तो जिनका नाम पीएम आवास योजना में नहीं है, उनके लिए नई योजना बना रहा हूँ, सीएम लाडली बहना आवास योजना, और उनके और उनको भी पैसा बना मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। 5 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अब भाई बहनों को कहे तो कच्ची टपरिया में रहने यार, इसकी तो अपनी सरकार है, अपने अपने काम की बात सुनो। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दूंगा, चिंता मत करना। और बिजली का बिल कई जगह शिकायत आएगी कि बड़ा बड़ा आ गया है, तो चिंता मत करना, बड़ा हुआ बिल मामा भरवाएगा, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग का 100 रुपया ही आएगा। जितनी तकलीफ है जनता की जिंदगी में है वो दूर करना मेरा मकसद है। मेरे भांजे देखो, छोटे छोटे बच्चे सभा में आते हैं और कितने ध्यान से सुनते हैं। मेरे बच्चों, मैं जहां जाता हूं ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, मामा ओ मामा, कहीं तो मम्मी की गोद में चिल्लाते हैं उठे हुए लोग, मामा मामा मामा। अरे वो थोड़ी जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको ये पता है दुबला पतला आदमी अपना तो मामा है। तो इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। बड़े बच्चे आकर थोड़ी शरारत भी कर गए मुझसे, कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, और इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए बना रहे सीएम राय, जिसको क्या काका बन रहे। कुछ भी बर्बाद, आपका साथ अभी बन है, और मेरे नेतृत्व से कह रहा हूं, समय की कमी के कारण आपका नाम नहीं ले पाया, मैंने तय किया जाके कहता है हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राय स्कूल बनाऊंगा, हर 25। और
किसानों के बेटा बेटी के लिए अच्छे स्कूल होना चाहिए कि नहीं बताओ? तो प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल बनाएंगे, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी अब अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे रे, बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं है लोगों की। और फीस से लेकर बाकी चीज की बात नहीं करूंगा। ये कमलनाथ ने तो मैं लैपटॉप देता था बच्चों के, ये कमलनाथ ने बंद कर दिया लैपटॉप। ये तो योजना बंद करने वाला मॉडल है कमलनाथ का, ओल्ड मॉडल, घटा मॉडल, सब योजना बंद करके दे। हम अपने बच्चों को लैपटॉप देते थे, कमलनाथ का लैपटॉप बंद कर दिए। मेरी कहना तुम्हारी संबल योजना बंद कर दी। लड़ुआ के पैसा 4,000 जन्म के पहले बेटा बेटी के और 12,000 बाद में लड्डू के पैसा भी कमलनाथ ने छीन लिए, कांग्रेस ने छीने। संबल योजना अंतिम संस्कार के 5,000 देता था, वो कफन के भी 5,000 कांग्रेस ने छीन लिए। मेरे बहन और भाइयों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। ए मेरे बुजुर्गो, मैं तुम्हें तीर्थ ले जाता था रेल से, कमलनाथ को पसंद नहीं आया, कांग्रेस ने मेरे तीर्थ बुजुर्गों की यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज। अरे गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? मेरे बच्चों की सारी योजना बंद कर दी, साइकिल बंद कर दी, किताबें बंद कर दी, काय का कमलनाथ जनता को तकलीफ देने मुख्यमंत्री बने थे। और सुना मेरी लाडली बहनों, अगर ये कांग्रेस कमलनाथ आ गई तो सबसे पहले तुम्हारी योजना बंद करेगी, जैसे बेगा भागिया सहरिया बहनों का पैसा बंद कर दिया था। ये ध्यान रखना, ये योजना बंद करने वाला मॉडल है कमलनाथ, ये जनता को सताने वाला मॉडल है कमलनाथ, और इसलिए इससे सावधान रहना मेरी बहन।